ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 3 5G स्मार्टफोन की, जिनकी कीमत दोस्तों आपको 15,000 रुपये से भी कम देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। तो अगर आप कोई नया 5G स्मार्टफोन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन की बात करेंगे जिनकी कीमत 15,000 रुपये से कम होगी। वीडियो को लंबी ना करते हो दोस्तों, सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें, जो कि दोस्तों हमारा होगा पोको की तरफ से, पोको M3 प्रो, जो कि दोस्तों एक 5G टेक्नोलॉजी देने वाला स्मार्ट फोन है। अगर दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत से हम शुरुआत करें तो इसके दोस्तों 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, उसकी कीमत है 14,499 रुपए। साथ ही बैंक ऑफर्स के जरिए आप स्मार्टफोन की प्राइस को और कम भी कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो डिटेल में अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको उसके बारे में भी पता लग जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों याद रहे स्मार्टफोन में 5G टेक्नोलॉजी देने वाला MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है, दोस्तों 7 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस कमाल है, गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी आपको देखने को मिली जाती है इस स्मार्टफोन में। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगर स्मार्टफोन के कैमरे की बात कर लें तो कैमरा दोस्तों स्मार्टफोन में ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप बैक में दिया जाएगा। 48 का होगा इसमें प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है पोको M3 प्रो के अंदर, और साथ ही 5000mAh की बैटरी, 18 वोल्ट के चार्जर के साथ, और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। 1TB तक इसकी स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं आप SD कार्ड के जरिए। यह दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ कमाल के स्पेसिफिकेशन। अगर आप देखें कैमरा क्वालिटी तो जबरदस्त देखने को मिलती है, सेंसर से आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ काफी अच्छी बैटरी और परफॉर्मेंस तो आपको काफी अच्छी स्मार्टफोन में देखने को मिली रही है। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, और याद रहे मैं आपको क्लियर कर दूं कि तीनों ही स्मार्टफोन में, जहां टॉप 3 स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, सभी स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 700 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर दिया गया है। और अब दोस्तों चलते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा Realme की तरफ से, Realme 8 5G। Realme 8 एक अलग स्मार्टफोन में है। 5G की दोस्तों अगर कीमत की बात करें तो इसमें आपको बेस वेरिएंट 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत है। अगर आप Flipkart के सिस्टम चेक करते हैं तो 15,499 रुपए, लेकिन दोस्तों आप नॉर्मल से बैंक ऑफर के जरिए इसकी कीमत को 14,749 रुपए में घर पे ला सकते हैं। ये नॉर्मल सा बैंक ऑफर है, आप इसको आराम से लागू करके स्मार्टफोन को अपने घर इतनी कम कीमत में ला सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा, तीनों ही स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है, 7 नैनोमीटर वाला। तो याद रहे इसमें भी वही प्रोसेसर है, गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर डिस्प्ले की बात करें तो सेम साइड डिस्प्ले का है, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि आपके 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, लेकिन इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में भी कैमरा क्वालिटी, ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप भी दिया गया है बैक में। 48 का इसमें प्राइमरी सेंसर, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट में इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई, तो कैमरा क्वालिटी इसकी फ्रंट की काफ़ी अच्छी है और किसी और के मुकाबले में इन तीनों में जो आज मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही इस स्मार्टफोन में बैटरी दी गई है 5000mAh की, 18 वोल्ट के चार्जर के साथ, सेम बैटरी दी गई है पोको M3 प्रो की जैसी, और इसके साथ ही इसमें भी साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और 1TB तक की स्टोरेज को इसके भी SD कार्ड के जरिए आप बढ़ा सकते हैं। और अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले और आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा Redmi की तरफ से, Redmi Note 10T 5G। दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत की बात करूं तो दोस्तों इसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, कीमत इसकी फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलेगी 15,990 रुपए, लेकिन इसके भी बेसिक से बैंक ऑफर के जरिए आप इस स्मार्टफोन को अपने घर ला सकते हैं 15,190 रुपए में, यानी कि लगभग 15,000 ही 100 रुपए, आप 200 रुपए ज्यादा खर्च करके अगर आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन देने वाला स्मार्टफोन देखने को मिले तो आप बेशक खर्च करेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इस स्मार्टफोन में भी MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी भी वैसी ही आपको देखने को मिलेगी जैसी तीनों स्मार्टफोन की है। और इसी के साथ दोस्तों अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो वो भी सेम साइज है, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि आपके 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। साथ ही इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अच्छा Redmi Note 10T 5G का देखने को मिल जाता है। बैक डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। अगर स्मार्टफोन के कैमरे की बात करें तो ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप दिया गया है, 48 का प्राइमरी सेंसर, 2 का माइक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, बैटरी 5000mAh की दी गई है 18 वोल्ट के चार्जर के साथ। तो आपको लगभग स्पेसिफिकेशन वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे कि पोको M3 प्रो
जैसे ही, और वहीं आपको स्मार्टफोन में भी साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। 1 TB तक की स्टोरेज को आप इसमें भी बढ़ा सकते हैं SD कार्ड के जरिए। दोस्तों ये 3 स्मार्टफोन जो इंडियन मार्केट में चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है और बेस्ट क्वालिटी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देते हैं। अब दोस्तों बात करें कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन अच्छी देते हैं स्पेसिफिकेशन। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप पोको M3 प्रो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन से लेकर उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको सेल्फी खींचना ज़्यादा पसंद है तो आप जा सकते हैं Realme 8 5G की तरफ। डिजाइन भी अच्छा है और सेल्फी परफॉर्मेंस तीनों ही स्मार्टफोन में सबसे अच्छी इसकी देखने को मिलती है। और अगर आप ओवरऑल एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप Redmi Note 10T 5G की तरफ जाएं, क्योंकि वो इंडियन मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है 5G में, चीपेस्ट 5G में। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।